प्रभात, मैं स्वस्तिक दृष्टि हूँ। मैं एक कक्षा का छात्र हूँ। मैं आज आप लोगों को गीता का श्लोकों नंबर 27, 28 और 29 सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए सुनते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्लोक नंबर 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युश्च च तस्मद् अपरिहार्थे न त्वं शोचितं महर्षि। अनुवाद। क्योंकि जन्मे हुए का मृत्यु निश्चिंत है और मरे हुए का जन्म निश्चिंत है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने का योग्य नहीं है। श्लोक नंबर 28। अभ्यक्तादीनि भूतानि भक्तमध्यानि भारत, अभ्यक्तानि धननेव तत्र का परिदेवना। अनुवाद। हे अर्जुन, समस्त प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर इस स्थिति में क्या शोक करना है? श्लोक नंबर 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनं शृणोति श्रुत्वा फेनं वेदना चैव पश्यति। अनुवाद। कोई एक ही इस परमात्मा सहित आत्मा को आश्चर्य के भांति देखता है और वैसे कोई दूसरा महापुरुष ही इसे आश्चर्य के भांति वर्णन करता है तथा दूसरा इसे आश्चर्य के भांति सुनता है और कोई सुनकर भी इसे नहीं जानता। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों के दिन शुभ और मंगलमय हो।